सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं और लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है और माना कि इसका सरलतम रूप a अपान b है, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को a अपान b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान लिया कि अंडर रूट 3 का मान a अपान b है, a और b सहभाज्य हैं पूर्णांक और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ दो बातें आपको जाननी चाहिए। नंबर एक, सह अभाज्य यानी को प्राइम ऐसे दो पूर्णांक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। तो a और b संख्याएं सह अभाज्य, सरलतम रूप में इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, एक चीज ये। और दूसरी चीज ये जाननी है आपको कि यदि a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड b है तो a का भी गुणनखंड b होगा। यदि एक अभाज्य गुणनखंड a स्क्वायर का अगर कोई अभाज्य गुणनखंड है b, तो b a का भी गुणनखंड होगा। तो इसके बाद लिखिए अब अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या इसका मतलब ये हो गया कि 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। क्यों? क्योंकि 3b स्क्वायर का गुणनखंड 3 है लेफ्ट साइड में, इसलिए a स्क्वायर का भी गुणनखंड 3 हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि a का एक गुणनखंड 3 है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है और 3 एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या a स्क्वायर का गुणनखंड है तो a का भी गुणनखंड 3 होगा। पुनः माना किसी पूर्णांक m
के लिए a इज इक्वल टू 3m। समीकरण एक में इसको रख दें तो 3b² इज इक्वल टू 3m² 3b² इज इक्वल टू 9m² या b² इज इक्वल टू 3m² इसका मतलब ये हुआ कि b² का एक गुणनखंड 3 है, चूंकि 3m² का एक गुणनखंड 3 है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड का भी गुणनखंड 3 होगा, इसलिए यहां लिखेंगे। और इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि b का एक गुणनखंड 3 है। इस प्रकार a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हम मान कर ये चले हैं कि a और b का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, a और b सहभाज्य है, परंतु हमारा नीचे आ गया कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यह हमारी कल्पना के विरोधाभासी है, अतः इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कल्पना असत्य है। जो हमने माना था कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वो असत्य है, अर्थात अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।